हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड आने की सही उम्र क्या होती है। सो आपके काफी सारे सवाल मुझे मिलते हैं जब मैं इस टाइप की वीडियोस बनाती हूँ गर्ल्स प्रॉब्लम को लेकर। तो काफी सारी जो गर्ल्स हैं, काफी सारी जो मॉम्स हैं, उनके सवाल होते हैं कि हमारी भी बेटी है 12-13 साल की, तो पीरियड आने की सही उम्र के बारे में भी आप बताइए कि कब आएंगे। सो मैं आज इसी चीज के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि पीरियड आने की सही उम्र क्या होती है और किस समय में पीरियड आ जाने चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको हो सके। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे कटते हैं या कुछ। ऐसे सवाल मुझे मिलते हैं अक्सर कमेंट बॉक्स में कि सब्सक्राइब करने से हमारे पैसे तो नहीं कटेंगे ना। सो नहीं कटते हैं आपके पैसे वैसे। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पीरियड आने की जो सही उम्र की हम बात करें अगर, तो पीरियड आने की सही उम्र तो यही होती है कि 13 साल से लेकर और 15 से 16 साल के बीच में पीरियड्स आ जाने चाहिए। वैसे देखा कई बार ये गया है कि बहुत सी गर्ल्स में 12 साल से 13 साल से भी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो जिस एज में मैं थी, तो मेरी एज 13 साल रही होगी तब मुझे पीरियड आए थे। तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस और अपने आसपास जो मैंने देखा है, अक्सर हम देखते हैं हमारी भी फैमिली में गर्ल्स है, तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो सही उम्र तो यही होती है कि 13 साल से लेकर 12-13 साल से लेकर 15 साल तक पीरियड आ जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ केसों में ऐसा होता है कि 16-17 साल तक भी पीरियड नहीं आते हैं। काफी सारे रीजन हो सकते हैं। देखिए, रीजन क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी बेटी में या फिर किसी लड़की में काफी सारी खून की कमी है, काफी कमजोर वो है, तो ऐसे केस में भी पीरियड लेट हो सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि 16 साल तक ही उसके पीरियड आए, काफी लेट पीरियड आते हैं, 17-18 साल तक भी हो सकते हैं उसके पीरियड। तो और भी काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे उसको काफी ज्यादा खून की कमी है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, एंड काफी वीक नेर से उसके अंदर काफी वीक है वो, और साथ ही साथ उसको काफी लंबे समय से कुछ बीमारी है। तो इस केस में भी पीरियड आपके बेटी के लेट हो सकते हैं। लेकिन अगर सही एज की अगर हम बात करते हैं तो पीरियड आने की सही एज यही होती है, 12 साल से लेकर 15 साल तक की एज के बीच में पीरियड आ जाने चाहिए हर गर्ल्स को। अगर नहीं भी आते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। काफी सारी गर्ल्स तो मॉम्स तो ऐसी होती है टेंशन में, हमारी बेटी 14 साल की होगी अभी तक पीरियड नहीं आए, अभी तक पीरियड क्यों नहीं आए। सो ये चीजें टेंशन वाली नहीं है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल रहिए, टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको बताया कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके कारण पीरियड नहीं आते इन उम्र में, थोड़ा लेट आते हैं। बल्कि मेरी फैमिली में भी मैंने काफी सारी ऐसी सिस्टर्स देखी है मेरी जिनको पीरियड 17-18 के बाद आए, तो काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है यार, बॉडी में काफी हार्मोन चेंज होते हैं। तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें, बट इस बारे में डॉक्टर के पास आपको जरूर जाना चाहिए। अगर 15-16 साल तक भी पीरियड नहीं आते हैं तो डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए कि बेटी को क्या प्रॉब्लम है। सो आप अगर मम्मी है, मॉम है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि बेटी को अगर नहीं आ रहे हैं सेज में पीरियड, तो आप डॉक्टर के पास जा सकती हैं। बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि क्यों नहीं आ रहे, डॉक्टर सब पता करेंगे, डॉक्टर के पास हर चीज का जवाब होता है, तो आपको जरूर वहां से अच्छा जवाब मिलेगा। तो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाइए, चेक करवाइए क्या प्रॉब्लम है। रही बात पीरियड आने की सही एज की, तो मैंने वो बता दी आपको, 12 से लेकर 15-16 साल तक के बीच में पीरियड आ जाने चाहिए, यही एज होती है नॉर्मल पीरियड आने की। जो स्टार्टिंग पीरियड होते हैं गर्ल्स के, वो इसी एज में आते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, काफी सारी मॉम्स का मुझसे ये भी सवाल होता है कि हमारी बेटी को 12-13 साल की उम्र में ही वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लगी है। तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आज का टाइम ऐसा है, यहाँ पर 12-13 साल से ही वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है। काफी सारे कारण भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो टॉयलेट जो बाथरूम हम यूज करते हैं वो काफी अच्छे नहीं है, गंदे होते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं वहां पर इतना ध्यान देते नहीं है कि हम किस टॉयलेट को यूज करते हैं, तो इन्फेक्शन गर्ल्स को काफी जल्दी लग जाते हैं, तो उसी के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप ध्यान रखिए, अपनी बेटी को समझाइए अभी से इन सब चीजों के बारे में कि आपको कैसे टॉयलेट यूज करना है। टॉयलेट करने से पहले आप पहले उसको क्लीन करिए, पानी डालिए, उसके बाद आप टॉयलेट को यूज करिए। घर पे भी इन सब चीजों का आप ध्यान दीजिए। तो स्टार्टिंग से आपको ये सारी चीजें अपनी बेटी को सिखानी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से हम बचे रहेंगे और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।